13 मई को कर्नाटक चुनाव के नतीजे आ गए थे। उसके बाद 4 दिनों तक बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में इस बात का मंथन चलता रहा कि कर्नाटक में कमान कौन संभालेगा। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद के लिए जंग जारी थी, लेकिन अब फैसला हो चुका है। सीएम पद का लड्डू तो सिद्धारमैया ही खाएंगे और कर्नाटक का सीएम बनने का सपना देख रहे डीके शिवकुमार को इस कुर्सी के लिए अभी और इंतजार करना होगा। बुधवार को दिल्ली में हुई मैराथन मीटिंग और कभी हाँ कभी ना के बीच खबर आ गई है कि डीके शिवकुमार को कांग्रेस ने मना लिया है और पहले सिद्धारमैया को सीएम बनाने के लिए किसी भी तरह तैयार नहीं हो रहे डीके शिवकुमार उनके नाम पर राजी हो गए हैं। फिलहाल कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यही है कि कर्नाटक में सीएम पद पर घमासान खत्म हो चुका है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम पद पर आम सहमति बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब 20 मई को बेंगलुरु में कर्नाटक की नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। सिद्धारमैया एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम होंगे। इसके लिए आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। शाम 7 बजे बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक होगी। इससे पहले बुधवार को चले बैठकों के सिलसिले के बावजूद डीके शिवकुमार सीएम पद से कम पर मानने को तैयार नहीं दिख रहे थे। बुधवार को कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात भी की। दिल्ली में बैठकों के कई राउंड के बीच सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की। मुस्कुराती हुई तस्वीरें भी रिलीज की गई दोनों की। इसके बाद बेंगलुरु में जश्न शुरू होने की तस्वीरें भी सामने आई। कहीं से खबर फैली कि सिद्धारमैया का नाम फाइनल हो गया है और शिवकुमार डिप्टी सीएम बनेंगे। सिद्धारमैया के समर्थकों ने दोपहर में ही जश्न भी मना लिया और मिठाइयां भी बांट दी। लेकिन कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि एक दो दिन में ही नाम तय हो पाएगा। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनको कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से ये अख्तियार दिया है कि वो कांग्रेस का अगला विधायक दल का नेता एंड कॉन्सिक्वेंटली मुख्यमंत्री घोषित करें, वो बाकायदा संपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। हमारे ऊपर मोदी जी 10-10, 15-15 दिन में निर्णय करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 2 दिन से डेलिब्रेशंस कर रहे हैं। हो सकता है आज, हो सकता है कल तक हम आपको ये निर्णय बता देंगे, इसलिए जल्दी मत करिए, विचलित मत होइए। हालांकि देर रात तक ये खबर भी आ गई कि कांग्रेस आलाकमान 2024 लोकसभा चुनावों की रणनीति में फिट हो रहे जिन सिद्धारमैया को सीएम की कुर्सी पर बिठाना चाहती है वो ही कर्नाटक के नए सीएम होंगे। हालांकि डीके शिवकुमार ने भी ये साफ कर दिया था कि वो कांग्रेस को ब्लैकमेल नहीं करेंगे, न ही कोई तोड़फोड़ होगी। लेकिन जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन दिल्ली में डीके शिवकुमार ने अपने समर्थक विधायकों की मीटिंग करके दिखाया और डीके समर्थकों के आज दिल्ली पहुंचने की खबर भी आई, उससे लगा ये मामला अभी लंबा खिंच सकता है। लेकिन फिलहाल ये संकट खत्म हो गया है और रेस में आगे चल रहे सिद्धारमैया के सिर पर फिर से कर्नाटक सीएम का ताज सजना तय हो गया है। लेकिन डीके शिवकुमार और उनके समर्थक विधायक भी अहम पदों पर बैठेंगे और सरकार में काफी मजबूत होंगे। ऐसे में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच की खींचतान को कांग्रेस आलाकमान कैसे रोकेगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। आपके साथ रवि त्रिपाठी, बेंगलुरु। Z News.